देखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता थाने न जाएं, उनके थाने जाने से दलाली पनपती है। दूसरे समाचार पत्र में लिखा था कि कार्यकर्ता दलाली बंद करें, अधिकारियों को हम सुधार देंगे, जिसका समाचार पत्र का मैंने आपको अभी दिखाया फोटो। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप इस पुल की जांच कर चुके हैं, माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी इस पुल की जांच कर चुके हैं, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी इस पुल की जांच कर चुके हैं, तो अब आप हमें यह बताइए इसमें दलाली कौन लिया, कि आपके मंत्री विधायक दलाली लिए या आपके अधिकारी दलाली लिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में है। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे नेता से मिलाऊंगा जो भाजपा के नेता हैं और कार्यकर्ता भी हैं, इसके बावजूद भी भाजपा के गलत नीतियों का लगातार विरोध करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वही नेता हैं, इनका नाम नागेश्वर मिश्रा, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा का जमकर विरोध भी किया था और उनके गाने को का तोड़ भी निकाला था। आइए इनसे आज बात करते हैं कि आखिरकार ये भाजपा की नीति का विरोध क्यों करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बनारस है, ये बनारस की धरती है, ये चमचों का धरती नहीं है। यहाँ पे जिस पार्टी के भी नेता हैं गलत होने पर उस पार्टी का विरोध भी करते हैं। यहाँ से 7 बार के विधायक रहे दादा श्याम देव चौधरी दादा ने लगातार भाजपा के गलत नीति का विरोध किया, आज नेताजी भी विरोध कर रहे हैं। इनका नाम नागेश्वर मिश्रा, आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। नेताजी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद नेताजी। बताइए कि आप वाराणसी और गाजीपुर के बीच में आशापुर पड़ता है, आशापुर में एक ओवरब्रिज बना है, उसमें बताया जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पर मैं जब से ये पुल बन रहा है तब से लगातार मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को दिया और श्रीमान मुख्य सचिव और विभाग के तमाम अधिकारियों को, यहाँ के प्रमुख सचिव सेतु निगम को भी मैंने पत्र व्यवहार किया। इस संदर्भ में जांच भी हुई लेकिन जांच का कोई परिणाम नहीं निकला। माननीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जी ने जांच किया था 6 अक्टूबर को, 8 जुलाई को माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी ने जांच किया था, 5 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी स्वयं आए थे और आशापुर के पुल के बारे में उन्होंने जांच किया तो उनको पता लगा कि अभी सर्विस रोड नहीं बनाया और सब कंप्लीट है। सर्विस रोड बनाने का सख्त निर्देश दिया कि 1 माह में सर्विस रोड बना दिया जाए, बावजूद इसके सर्विस रोड दक्षिण साइड का आज तक नहीं बना। अच्छा, बताइए कि ये जो ओवरब्रिज बना है इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से यह ओवरब्रिज भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है, इसके जिम्मेदार कौन कौन है? देखिए, यदि भ्रष्टाचार का नमूना आपको देखना है तो आशापुर का पुल ये इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। और जगहों पर तो आप देखते हैं कि गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, मगर मैं ये देख रहा हूं हमारी सरकार में क्या हो रहा है कि कार्य के लंबाई को ही कम कर दिया जा रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब जो ब्रिज बना उसके लंबाई को कम कर दिया गया, कितना कम किया गया? इसकी लंबाई 41.08 मीटर कम है, यह जो है 682 मीटर स्वीकृत है और सूरज कुमार गर्ग उप परियोजना प्रबंधक सेतु निगम, इन्होंने मेरे एक पत्र को निस्तारित करते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पर है उसको निस्तारित करते हुए बताया कि पुल की लंबाई 682.63 मीटर है। बोर्ड आप देख लीजिए तो दोनों तरफ बोर्ड लग गया है, अभी 3-4 दिन पहले बोर्ड लगा, बोर्ड पर लिखा गया है 304.90 मीटर, उधर भी 304.90 मीटर। बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस पुल में एक तरफ 6 पिलर हैं और एक तरफ 8 पिलर हैं, फिर भी दोनों तरफ की लंबाई समान है, एक समान है। ये बड़े मतलब अंधा आदमी भी देखे तो वो भी कह सकता है कि नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन आपकी सरकार तो कहती है कि हमारा सरकार जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है।
देखिए हमको तकलीफ, चूंकि इस मामला ये मामला बंद हो चुका था, लेकिन अभी विगत कुछ दिन पहले हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता थाने न जाएं, उनके थाने जाने से दलाली पनपती है। दूसरे समाचार पत्र में लिखा था कि कार्यकर्ता दलाली बंद करें, अधिकारियों को हम सुधार देंगे, जिसका समाचार पत्र का मैंने आपको अभी दिखाया फोटो। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप इस पुल की जांच कर चुके हैं, माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी इस पुल की जांच कर चुके हैं, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी इस पुल की जांच कर चुके हैं, तो अब आप हमें यह बताइए इसमें दलाली कौन लिया? कि आपके मंत्री विधायक दलाली लिए या आपके अधिकारी दलाली लिए? अच्छा नेताजी एक मिनट, आप नेताजी बताइए कि जब मंत्री लोग यहाँ पे जांच बैठाए, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, आपने भी प्रयास किया, कुछ नहीं कार्रवाई हुआ, तो आप किस तरह से कार्रवाई, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, मैं तो जाऊंगा, मैं जान रहा हूँ कि ये सब दलाली में लिप्त हैं और ये अंत तक दलाली करते ही रहेंगे। इसका निदान अब जून में कोर्ट बंद हो जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय बंद है, जुलाई में कोर्ट खुलते ही मैं इसका निदान माननीय उच्च न्यायालय से कराऊंगा और वहीं से होगा। हमें माननीय मोदी जी के योगी जी के अधिकारियों से और मंत्रियों से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन नेताजी बताइए कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, आपको किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप बताइए, जब आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता की बातें इस सरकार में कैसे सुनी जाएंगी? यही कारण है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने अब किया है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय पता नहीं क्या वो समझ गए हैं, उन्होंने अपने विधायकों अपने मंत्रियों के पर काट दिए हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं कि वो कोई पैरवी नहीं करेंगे। अब जो अधिकारी सपा और बसपा कार्यकाल में पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहे, उन अधिकारियों से आप विगत 5 सालों से आप ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं और अपने लोगों पर आप भरोसा नहीं करते हैं और अधिकारी को आप निरंकुश छोड़ दिया, जिसका परिणाम यह है अधिकारी तो कहते हैं कि इतना रिपोर्ट कार्ड बनवाना पड़ रहा है हम लोगों को, हफ्ते में 2-2 बार रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी पड़ रही है, हम फील्ड में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, केवल आपको रिपोर्ट कार्ड, तो रिपोर्ट कार्ड से प्रदेश नहीं चलेगा, प्रदेश चलेगा धरातल पर। आपकी योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं आपकी चल रही हैं, आपकी नीति और नियति दोनों साफ है, अच्छी है, लेकिन वो धरातल पर इसलिए नहीं आ रही हैं कि आप वन मैन आर्मी बनना चाह रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता, भाजपा का विधायक मंत्री आपके आंख हैं, आपके हाथ पैर हैं, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, छोटे अधिकारियों पर आप भरोसा कर रहे हैं, तो परिणाम तो यही आएगा ही। अच्छा नेताजी बताइए कि आप मानते हैं ना कि इस सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रही है, आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रही है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। लेकिन नेताजी आपको अच्छी तरह से पता है, आप अपने क्षेत्र के नेता है, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये बताइए कि सत्ता में रहकर सत्ता के खिलाफ बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि आप पे किसी तरह का गाज गिर जाए? देखिए मेरी रोजी रोटी नहीं है, राजनीति मेरा सेवा है और मुझे, मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ, हीरोइन कट्टा बेचता नहीं हूँ, गलत पैर भी करना नहीं है, ठेकेदारी करना नहीं है, टिकट हमको लेना नहीं है। तो जब हमको ये सब कुछ करना है नहीं, तो आपको खुदा क्यों माने? हम आपकी सारी गलतियों पर, जो गलतियां रहेंगी उसके ऊपर मैं पर्दा नहीं डालूंगा, पर्दा उठा दूंगा, आपको बेनकाब करूंगा। लेकिन नेताजी अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और ये भाजपा सरकार आने से पहले कह रही थी कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 75 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आने के बाद इन्होंने नौकरी नहीं दी और बेरोजगारी का दर बढ़ता गया। आप मानते हैं कि बेरोजगारी बढ़ा है? नहीं, बेरोजगारी तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी अगर होती तो हम चुनाव में फिर नहीं जीत करके आते। हम अभी 2 महीना पहले चुनाव जीत करके आए थे, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आप महंगाई देखना चाहते हैं तो कांग्रेस की सरकार जहां जहां है, विपक्षियों की सरकार जहां जहां है, जाकर के देखिए 115 रुपए लीटर पेट्रोल है। हमारी भाजपा की सरकार जहां जहां है वहां पेट्रोल भी 96, 97, 95 तक है। पेट्रोल ठीक है 95, 97 कि भाजपा के राज में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे पेट्रोल के दाम कम है, लेकिन गैस 1100 रुपए हो गया, आपको लगता है कि गरीब के घर में गैस पहुंच जाएगा? अभी 200 रुपया सस्ता किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गैस के दाम सब्सिडी चालू किया है। हाँ सब्सिडी चालू किया है। देखिए बहुत राहत देंगे, एक चीज तो देख लीजिए कि 2002 साल कोरोना ने जो त्रासदी मचाई थी पूरी दुनिया में, वो मोदी जी जैसा व्यक्तित्व था, नेतृत्व था,
कि देश संभल गया, नहीं आज जो श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल हो रहा है वही हाल इंडिया का भी होता। लेकिन नेताजी बताइए कि इस समय जो ज्ञानवापी का मस्जिद का मुद्दा एकदम गर्म है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे कि धर्म की राजनीति कर रहे और ज्ञानवापी मस्जिद के जरिए हिंदू और मुसलमान को दो भागों में बांटना चाहते हैं, ये ऐसी सरकार की नीति है, विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है। नहीं, सरकार की नीति हिंदू मुसलमान को बांटना नहीं है। सरकार की जितनी भी योजनाएं समान रूप से चल रही है वो हिंदुओं को भी मिल रही है, मुसलमानों को भी मिल रही है। बात अगर धर्म की देखी जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है, और विश्वनाथ मंदिर ये हमारे धर्म ग्रंथों में है, हमारे पुराणों में है। श्री राम मंदिर हमारे धर्म ग्रंथों में पुराणों में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे धर्म ग्रंथों में है, पुराणों में है, श्रुतियों में है। तो उनका क्या है यहाँ पर? कुरान मजीद को मैं पढ़ा हूँ, कुरान हदीस को पढ़ा हूँ, कुरान शरीफ को मैं पढ़ा हूँ। किसी कुरान में मस्जिद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मस्जिद का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, मस्जिद मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ धर्मशाला होता है, मस्जिद कोई उपासना स्थल नहीं है। लेकिन इनका राड़ देखिए, इनकी राड़ देखिए कि झूठ को चला रहे हैं, शिवलिंग को फवारा बता रहे हैं। तो यहाँ कोई समझौता हम नहीं करेंगे और हमारी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। जो कुछ हो रहा है वो कोर्ट में हो रहा है, वो न्यायालय में हो रहा है। अभी देखिए, मैं आशापुर में हूँ, बनारस में हूँ इस समय, बनारस के आशापुर में हूँ इस वक्त। यहाँ पे जो पुल बना है इसमें जबरदस्त धांधली हुआ है, भ्रष्टाचार का शिकार चढ़ गया, और यहाँ के जो नेता, स्थानीय नेता, इन्होंने जमकर इसका विरोध किया और इन्होंने कहा है कि मैं सरकार के गलत नीतियों का विरोध करूँगा और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता और नेता होने के नाते मैं गलत नीतियों का लगातार विरोध करूँगा। फिलहाल आप हमारे सवालों का जवाब दिए, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार।